नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2020-21 की जूनियर इंजीनियर स्टेनोग्राफर सी और डी ग्रेड सीजीएल समेत कई भर्ती परीक्षाओं के लिए नई तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके तहत नया रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एसएससी ने शेड्यूल जारी कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग ने आज ही विभिन्न परीक्षाओं को लेकर नए कैलेंडर को जारी किया है, जो कि एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर परीक्षाओं का शेड्यूल चेक कर सकते हैं। या तो इसके लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही इन परीक्षाओं की तारीख में बदलाव किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब सीजीएल परीक्षा 2019 टायर 2 की परीक्षा 15 से 18 नवंबर तक ली जाएगी। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर एग्जाम पेपर 1 2019 की परीक्षा 11 दिसंबर को ली जाएगी। इसके साथ ही जूनियर इंजीनियर एग्जाम पेपर 2 की परीक्षा 21 मार्च 2021 को आयोजित की जाएगी। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट हुई जारी। बिहार बोर्ड की 10वीं मैट्रिक और 12वीं इंटर की परीक्षा 2021 की डेट शीट जारी कर दी गई है। मैट्रिक परीक्षा 2021 का आयोजन 17 से 24 फरवरी तक होगा। इसके साथ ही इंटर 2021 की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित करवाई जाएगी। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर की माने तो हर दिन 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:45 से 5 बजे तक ली जाएगी। इंटर प्रैक्टिकल का आयोजन 9 से 18 जनवरी तक करवाया जाएगा। सभी स्कूल और कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा होंगी। इसके साथ ही मैट्रिक के ऐच्छिक विषय की प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 जनवरी 2021 तक ली जाएगी। इंटर परीक्षा के विषय पैटर्न में बदलाव किया गया था। बदले पैटर्न पर ही परीक्षा का आयोजन अब करवाया जाएगा। हालांकि छात्र अगर किसी कारणवश 3 मुख्य विषय में 1 में भी फेल हो जाते हैं तो छात्र अतिरिक्त विषय को संबंधित मुख्य विषय में बदल सकते हैं। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा के दौरान सभी छात्रों को 15 मिनट पढ़ने के लिए भी दिए जाएंगे। इसमें मैट्रिक के छात्रों से मैट्रिक का अतिरिक्त मूल्यांकन 25 जनवरी तक जमा करवाना होगा। अपने शुभचिंतकों के फोन से गुप्तेश्वर पांडे हुए परेशान। समय से पहले वीआरएस लेकर सुर्खियों में आए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों काफी परेशान चल रहे हैं और उनकी परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि उनके शुभचिंतक है, जिसको लेकर खुद उन्होंने बीते दिन अपने शुभचिंतकों के लिए एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपने अनेक शुभचिंतकों के फोन से काफी परेशान चल रहा हूं। मैं उनकी चिंता को बखूबी समझ रहा हूं। मेरे सेवामुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा, लेकिन मैं इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतर रहा हूं। हताशा और निराशा होने की कोई बात नहीं है। धीरज रखें, मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है। मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। कृपया धीरज रखें और मुझे फोन नहीं करें। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहां के सभी जाति मजहब के सभी बड़े छोटे भाई बहनों और माताओं और नौजवानों को मेरा पैर छूकर प्रणाम। आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे। रामा सिंह की पत्नी को मिली राजद में एंट्री। बिहार में लोजपा के पूर्व बाहुबली सांसद रामा सिंह को सीधे तौर पर तो नहीं, मगर उनकी पत्नी को राजद में एंट्री दे दी गई है। कई दिनों से हाना और विरोध की राजनीति को देखते हुए बैकडोर से एंट्री करवा दी गई है। राजद की तरफ से बीते दिन रामा सिंह के बजाय उनकी पत्नी को टिकट सौंप दिया गया है। वैशाली जिले में रामा सिंह की गिनती हालांकि लोजपा के बड़े नेताओं में की जाती है और स्वर्णों का बड़ा वोट बैंक उनके नेतृत्व का समर्थन करता है। 2014 में उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को भी करारी हार दी थी। हालांकि 2019 के चुनाव के दौरान पार्टी ने उनकी जगह वीना देवी को टिकट दे दिया था। तभी से वो कयास लगाए जा रहे थे कि रामा सिंह लोजपा को छोड़कर किसी बड़ी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। पुलिस और जवानों की सभी छुट्टियां हुई स्थगित। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस बल की छुट्टियों को स्थगित कर दिया गया है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर इस अवधि में आने वाले सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने विशेष परिस्थिति में ही जरूरी काम को लेकर प्रक्रियाओं का पालन करते हुए छुट्टी स्वीकार करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार अब एक साथ करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं का बोलबाला देखने को मिलेगा। इस बार युवा सीधे तौर पर अनुभवी पार्टियों का सामना करने वाले हैं। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी को कुर्सी से हटाने के लिए इस बार तेजस्वी यादव के साथ साथ जेएनयू मामले में सुर्खियों में आए कन्हैया कुमार मैदान में उतरने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार कन्हैया कुमार और तेजस्वी एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो दोनों नेता एक साथ प्रचार प्रसार करने वाले हैं और कई चुनावी सभाओं में तो दोनों एक मंच पर भी नजर आ सकते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये दोनों की जोड़ी सत्तारूढ़ पार्टी पर कितना प्रभाव डालती है। वहीं राजद की बात करें तो राजद और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव प्रचार के लिए एक एक हेलीकॉप्टर किराए पर ले लिया है, जिसमें लगभग 50% सीटों के साथ ही इन दोनों का
इस्तेमाल महागठबंधन के चुनाव प्रचार में संयुक्त रूप से किया जाएगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे एसके मजूमदार की। एसके मजूमदार उर्फ सुधींद्र कुमार मजूमदार भारतीय वायुसेना के एयर कमांडेंट थे। भारतीय वायुसेना के एयर कमांडेंट के तौर पर कार्यरत सुधींद्र कुमार मजूमदार का जन्म आज ही के दिन 1927 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। एयर कमांडर मजूमदार ने रॉयल इंडियन एयरफोर्स के साथ अपने उड़ान करियर की शुरुआत की थी। 1945 में उन्हें RIAF में शामिल किया गया था। उन्होंने 1948 में अपना फ्लाइंग विंग प्राप्त किया और 14 मई को एक पायलट ऑफिसर और फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन किया गया। उन्होंने 1953 में हेलीकॉप्टर के चयन से पहले भारतीय वायुसेना में रॉयल शब्द को हटा दिया था। चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने दूसरी नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत आयोग ने आगामी चुनाव में किसी भी पार्टी में 30 से अधिक प्रचारकों के नहीं रहने की बात कही है। इसके साथ ही पार्टियों से कहा गया है कि वो प्रचार से 48 घंटे पहले आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की पूरी सूची सौंप दे। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होती है, जिसको यहां घटाकर 30 कर दिया गया है। स्टार प्रचारकों का सीधा मतलब यही है कि उनकी सभा, रोड शो, रैली आदि प्रचार के संसाधन पर हुए खर्चे, उम्मीदवारों के चुनाव खर्चे को नहीं जोड़े जाएंगे और पार्टी का खर्च माना जाएगा। इसके साथ ही आयोग की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन में नामांकन के सीमित समय के समर्थन, गाड़ियों और प्रचार वाहनों और घर घर प्रचार के लिए भी कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना प्रोटोकॉल तय करने के बाद अब चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की भी तादाद तय कर दी गई है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने चुनावी मैदान में उतरने से किया इनकार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। वहीं सुर्खियों में लंबे समय से बने और जदयू का दामन थाम चुके पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गुप्तेश्वर पांडे ने अब साफ कर दिया है कि वो इस बार कहीं से भी मैदान में नहीं उतर सकते हैं। इस बाबत उन्होंने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि पूरी तरीके से एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस मामले में मेरी भूमिका बिल्कुल ही साफ है, जो सच है वो जांच के बाद सामने आ जाएगा। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और इसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से होने वाली है। हालांकि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे चुनाव के माहौल में लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, मगर अब उन्होंने खुद ही अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए पूरे स्थिति को साफ कर दिया है। बिहार में एनडीए को जीत दिलवाने के लिए आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख अब बस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में अब एनडीए को जीत दिलवाने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में नजर आ सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने अपने सबसे बहुचर्चित चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। बिहार भाजपा ने इसके लिए एक प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। बिहार भाजपा के प्रस्ताव के मुताबिक 20 अक्टूबर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां शुरू हो सकती है। इस दौरान 15 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री बिहार में 20 से ज्यादा सभाओं का आयोजन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार पहुंचने के बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी मंच साझा कर सकते हैं। हालांकि अभी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, मगर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में एनडीए का समर्थन करने वो बिहार की धरती पर पधार सकते हैं। नीतीश कुमार ने जनता के नाम लिखा खुला पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता के नाम एक पत्र जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने राज्य की जनता को सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही अपनी भावनाओं को भी साझा किया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि जनता के आशीर्वाद से वो राज्य को जल्दी और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और सात निश्चय पार्ट दो के संकल्पों को भी लागू करने वाले हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि हमारी सरकार में अमन चैन और भाईचारे का वातावरण देखने को मिला। सभी क्षेत्र में विकास का काम करवाया गया। हमने शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया। छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रावृत्ति दी। अस्पतालों में इलाज की बेहतर व्यवस्था की गई। हजारों सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया, जिससे 6 घंटे से राज्य के सबसे दूरस्थ इलाके में भी पटना पहुंचना संभव हो सका। राजद नेता और बिस्कोमान निदेशक के घर पर हुई छापेमारी। सासाराम के खनन और होटल कारोबारी राजद नेता संजय सिंह के औरंगाबाद, सासाराम, वाराणसी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिस्कोमान के निदेशक रमेश चंद्र चौबे के यहाँ भी आयकर विभाग की छापेमारी करवाई गई है। इसके सभी ठिकानों पर आयकर की टीम ने बीते दिन छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार किए गए छापेमारी में 50 लाख कैश और जेवरात हाथ लगे हैं। इसके साथ ही 6 करोड़ के निवेश से संबंधित कागजात भी मिले हैं। मंगलवार की देर रात से शुरू हुई छापेमारी बुधवार की देर रात तक जारी रही। इसमें विभाग को इतनी बड़ी रकम भी हाथ लगी है। मिली जानकारी के अनुसार पटना गांधी मैदान में पुलिस ने राजद नेता संजय सिंह की गाड़ी से 75 लाख रुपए बरामद किए थे, जिसके बाद ही इसके स्रोत का पता लगाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलने पर
शेखर सुमन ने जताई नाराजगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी के हस्तक्षेप के बाद रिया चक्रवर्ती समेत कई को हिरासत के पीछे भेज दिया गया था। हालांकि अब रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जिस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बॉलीवुड वर्तमान समय में दो फाड़ में बट गया है, जहां एक तरफ कई लोग रिया को मिले जमानत के कारण खुश नजर आ रहे हैं, तो कई लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। इसी कड़ी में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद शेखर सुमन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि रिया को जमानत मिल गई। एम्स और सीबीआई की रिपोर्ट एक थी, फिर भी मिरांडा और दीपेश को भी जमानत मिल गई। दूसरी फॉरेंसिक टीम का गठन भी नहीं किया गया। कानूनी तौर पर भले ही किस्सा खत्म हुआ है, लेकिन इमोशनली हमारा संघर्ष जारी है। आईपीएल मैच में आज एक दूसरे के आमने सामने होंगे सनराइजर हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज सनराइजर हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम एक दूसरे के आमने सामने होने वाली है। दोनों ही टीमों की हालत टूर्नामेंट में काफी खस्ता नजर आई है। किंग्स इलेवन पंजाब महज एक जीत के साथ पॉइंट टेबल में आखिरी पायदान पर पहुंच गई है, वहीं हैदराबाद की टीम दो जीत के साथ छठे पायदान पर है। दोनों टीमों को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में दोनों के लिए जीत ट्रैक पर वापस आना बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, किंग्स इलेवन पंजाब ने अब तक 5 में से 4 मैच गवाए हैं, वहीं हैदराबाद की टीम ने अब तक 3 मैच गवाए हैं, बल्कि 2 मैच में उसने जीत हासिल की है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 68 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 78,524 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 68,35,655 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 971 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 105,526 पर पहुंच गई है, जिसमें से कुल मिलाकर 58,27,704 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद ठीक होने वालों की दर बढ़कर 85.25 पर पहुंच गई है। वहीं जान गंवाने वालों की संख्या की बात करें तो इस आंकड़े में 1.54% की गिरावट देखी गई है, जिसके बाद भारत में कुल मिलाकर 9,02,425 मरीज सक्रिय हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के साथ आने पर महागठबंधन को फायदा मिलेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।